कोरबा की कोतवाली पुलिस ने अवैध कार्यों में लिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पहली कार्रवाई आर्म्स एक्ट को लेकर हुई है। दर्री रोड पर तीन युवक धारदार हथियार लेकर लोगों को डरा धमका रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह शराब की अवैध रूप से बिक्री करने वाला एक आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कोरबा की कोतवाली पुलिस ने 2527 आर्म्स एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चंदन गोड़, ढिल्ली उर्फ शिवा बंजारे और रामदास महंत के द्वारा दरी रोड के पास लोहे का धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ पुलिस ने शराब की अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 48,000 रुपये कीमत की देशी और अंग्रेजी शराब की कुल 10 पेटियों को जब्त किया गया है। इस मामले में आरोपी दुर्गेश कंवर है, जो रामसागर पारा का निवासी है। आर्म्स एक्ट के मामले में भी पकड़े गए तीनों आरोपी रामसागर पारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी के खिलाफ पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे सामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने हेतु। जी, तारतम्य में कोतवाली पुलिस द्वारा तीन लोगों पे आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ एक आबकारी की भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्ती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की बात कही है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का संकल्प दोहराया है। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।